वेल, स्वागत है आप सबका एक और न्यू माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। भाई साहब, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, मैंने थोड़ा सा घर को डेवलप कर दिया है, थोड़ा सा उसको ज्यादा सुंदर कर दिया। मैं तुमको अंदर से टूर कराना चाहता हूँ भाई साहब, एक नंबर का। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एनिमल फार्मिंग भी कर ली है और थोड़ा सा अपने फार्म को एक्सटेंड कर दिया। तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि वेंचो हमारा जो फार्म था वो छोटा सा था और मैं कह जा रहा था कि बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला, बहुत क्रेजी होने वाला है। मेरे पास बहुत बड़ा है फार्म, मेरे पास बहुत बड़ा फार्म है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अंदर जाके भाई साहब, और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे जाके हम क्या करने वाले, मतलब आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले। चलो मैं बता ही देता हूँ, आज के एपिसोड में हम लाने वाले हैं गांव वालों को भाई साहब, यहीं ला के बसाएंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, फर्स्ट फ्लोर पे गांव वाले बसेंगे, ऊपर रहेंगे हम, और फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर होगा जो कि हमारा सीक्रेट रूम होगा, जो कि हमारा स्टोरेज रूम होगा। अभी मैंने काफी सारी चेस्ट बना ली है, काफी सारी माइन कर ली है। देखो यहाँ से टनल जा रही है, बहुत ज्यादा माइन करके मैंने घर को काफी कुछ बना लिया है, काफी सारे रेड स्टोन इकट्ठे किए हैं। और हमको मे बी फर्स्ट एपिसोड में और इससे प्रीवियस एपिसोड में नेदर रैक्स मिली थी, उन सब का मैंने उनको पिघला पिघला के ये वाला काम कर दिया भाई। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे भाई ने क्या बना दिया है आखिर। वैसे हमारे पास ये दो ही बची हैं, इनको रोटी खिलानी है। तुम्हारे बच्चे नहीं हो, चुदाइयां करो यार, चुदाइयां करो। ये देखो सामने वाली पार्टी कितनी चुदाइयां कर चुकी। और अरे ये यहाँ कैसे आ गए भाई? ओ भाई, इन्होंने चुदाइयां करके भैंस पैदा कर दी है क्या? ये क्या सीन है? ये इस पर से चढ़ के चला गया। ओ फक ब्रो, मतलब ओ ये तो जोनी सिंह की फैन है। रुको मैं इसको थोड़ा सा ना और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। अभी पता है जब मैं खेल रहा था, जो एक क्रीपर होते हो ना भाई, मुझे इनसे शिद्दत से नफरत है। ये आके फोड़ जाते हैं मेरी। और अरे भैंचू भाई अंदर, अच्छा वो बच्चा बड़ा हो गया भाई। मैं कह रहा ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंदर का दिखाता हूँ भाई साहब। यार ये वाले गेट को थोड़ा इग्नोर करना। वैसे मुझे ना ऑटोमेटिक डोर बनाना सीखना है, मुझे स्टडी करना है कि वो कैसे बनेगा। इस तब तक के लिए तुम इसी डोर से काम चला लो। ये मैंने दूसरी लकड़ी का डोर बनाया है, और सामने तुम देखोगे मैंने ट्री फार्मिंग भी की है, थोड़ी बहुत छोटा एरिया में किया है ताकि मुझे अभी वुड मिल सके। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी सी वो हो रही है। चलो 1 2 3 फक ब्रो, तुम्हारे भाई का घर, मतलब तुम्हारे भाई का नहीं, मैं इसको कासल कासल कह जा रहा हूँ। वैसे ये एक फोर्ट है, ये एक किला है, क्योंकि ये एक ऊंचाई पे बना हुआ है। कासल एक अलग होते हैं, मैं इसको कासल में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। अच्छा वैसे मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। ये है, इसका नाम है भैण का घोड़ा, ठीक है। इसका नाम है इसका नाम भी घोड़ा है, इसका नाम है यार, इन लोगों के नाम रखने चाहिए, इन लोगों का नाम मैं क्या रखूँ, इनको नेम टैग देने, बट नेम टैग मुझे मिल नहीं रहे। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत इधर उधर घूमा, बट मुझे नेम टैग नहीं मिला। इसका नाम, इन दोनों का नाम तुम लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करो। तो भाई तुमने फर्स्ट फ्लोर देख लिया भाई साहब, क्या सेक्सी लग रहा है। देखो सामने मैंने लाइब्रेरी बना दी है, और उसके साइड में मैंने ये, इसको तुम किचन कह लो, और जो भी हम सामान को फर्निश करेंगे वो है। और यहाँ पे हमारी स्टोरेज, आज का हमारा टास्क ये है कि आज हम लेके आने वाले हमारे विलेजर्स को, हमारे रहने वाले लोगों को, उनको मैं उठा उठा के लाऊंगा। और मैंने कुछ प्लान किया था कि मैं उनको ना उससे क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक से लेके आऊंगा, और फिर उनको लाकर यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैंने काफी सारी रेलवे ट्रैक्स बना, अरे ओके हाँ देखो, मैंने काफी सारी रेलवे ट्रैक्स बना लिए। काफी साली नहीं, मैं थोड़ा सा अजीब तरह से बोल रहा हूँ, बट देखो ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर ये काम नहीं आती तो दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलो मैं तुमको ऊपर का दिखाता हूँ भाई साहब। ओ फक ब्रो, अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे तुम्हारा भाई चूतड़ चौड़े करके सोता है। ये रहा मेरा बेड, क्योंकि राजा डबल बेड पे सोते हैं। वैसे मैं इसको पूरे को कंप्लीट बेड बनाना चाहता था, बट मेरे हिसाब से दो इनफ है, ठीक है। तो ये रहा मेरा सिंहासन। सिंहासन मैंने फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच में ही रखा है ताकि मैं ऊपर का भी देख सकूं, तो चलो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बिछाते हैं बिस्तरे, बेड बिछाते हैं। यहाँ पे मैंने इनको जितना मेरे पास फ्लिंट था ये सब, और ये ब्लैक ये सब था, मैंने वो कर लिया। अब यहाँ पे हम बिछाएंगे बिस्तरे। ओ बॉय, ये गलत हो गया, ये मेरे पास एक ही बचा है। ओके हाँ, जितना भी हमारे पास सामान था वो हमने सब कुछ कर दिया है भाई। देखो अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे काफी सारे बेड, काफी सारे बेड बिछाओ के भाई। देखो
वहां तक बेड बिछा देंगे, यहां तक बेड बिछा देंगे, हर जगह बेड हम बेड, बेड हम बेड होंगे, यहाँ पे विलेजर्स आएंगे, चुदाइयां करेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे जिससे कि सेक्स हम सेक्स होगा, काफी सारे लोग होंगे, और मैं काफी लोगों को फार्मर्स भी बना दूंगा, काफी लोगों को यू नो लाइब्रेरियन बना दूंगा और ये सब बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको चाहिए विलेजर्स, विलेजर्स को हम लेकर आते हैं। नहीं नहीं सबसे पहले हम बनाते हैं बेड। यहाँ पे कुछ तो था, यहाँ पे कुछ तो था जो मुझे अभी भी, मेरे पास कितनी बची है, थोड़े से 3 इंगेट्स बचे हैं भाई, मैंने यहाँ पे जमा किया था ब्रो, बट वो कहाँ गया। ओके 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 ओके, अरे भाई वो भेड़ों को नंगा करने का वो कहाँ था ब्रो। अच्छा ये रहा भाई सामने है। चलो सबसे पहले काम करेंगे भेड़ों को, भेड़ों की कछियां उतार देते हैं, भेड़ों को एकदम यू नो बिल्कुल शर्म से पानी पानी कर देते हैं, और फिर हम उनके लिए उनसे बेड बनाएंगे। बेड्स को मैं बाद में कलर कर लूंगा, फिलहाल के लिए मैं इनके लाओ भाई जल्दी से जल्दी से। ओ फक, ओके गाइस मैंने सारी भेड़ों की कछियां उतार दी हैं। रुक जाओ यार मैं इसको ना मार ही देता हूँ, ये यहाँ पे ना थोड़ा और लग रहा है। चलो ठीक है हमको थोड़ा खाने के लिए भी मिल गया, हमारे पास 64 और कितने हो गए, चलो ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अब हम जाते हैं जल्दी से लकड़ियां लेने, मैंने थोड़ा छोटा सा फार्म बनाया है ट्रीज का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वहां से हम लकड़ियां लेंगे और फिर काफी सारे बेड बनाकर फिर हम लाएंगे विलेजर्स को, विलेजर्स The bad villagers. Yo, Hani Singh. Okay. भाई मैं इनके भी कछियां उतार सकता हूं, रुको थोड़ी बहुत जितने मिले उतने क्या पता कम पड़ जाए। लाओ भाई कचीज। ओ फक ब्रो मैं पानी में गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग नहीं, भाग मत भाग मत भाग मत भाग मत कची। ओके 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 जल्दी 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 भाई, देखना कैसी लग रही है भाई, ये क्या वक्त हो दिया भाई। वैसे शाम हो गई है, मैं जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि जाकर सो जाऊं, भाई शाम हो गई है, ये मूव जाके ना मुझे मार देते हैं भाई, जो क्रीपर्स है ना भाई इनसे ना मेरी जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, मैं इनकी ना माँ चोद दूंगा एक दिन। सो नाउ हम चलते हैं जल्दी से लकड़ियां लाने, भाई साहब हमारे पास लकड़ियां पड़ी है यार, मैंने जल्दबाजी में लकड़ियां जमा नहीं की, अभी भी हमारे पास रेड डस्ट काफी सारा पड़ा है, रेड स्टोन डस्ट। ओके हमारे पास लकड़ियां लकड़ियां नहीं है ब्रो हमारे पास लकड़ियां, ये वाली चेस्ट मैंने बना ली थी शायद, मतलब शायद क्या बना ही ली थी, मेरे साथ मेरे सामने पड़ी है तो। ओके जल्दी से जाके हम लकड़ियां लेके आते हैं, यार देखो ये मेरे को लग रहा है कि ये भी ये पेड़ भी इतने इनफ लकड़ियां नहीं दे पाएंगे, ये वाला जो फार्म है काफी धीरे धीरे काम कर रहा है। और मेरे दोनों घोड़े बाहर तो नहीं आ गए भाई, मैं उन दोनों को बहुत मुश्किल से लेके आया था, मुझे ना वो मिल गई थी सैडल मिल गई थी, तो पहले मैं एक को लेके आया फिर एक को लेके आया, मैं काफी जगह घूमा, मैं तुमको दिखाऊंगा वो सारी जगह। पता है मेरे पे ना एक बंद कुछ बंदों ने ना कबीले वालों ने हमला कर दिया था भाई, बड़े भोसड़ी के थे वो, जल्दी से इनको तोड़ते हैं, तो जल्दी से इनको तोड़ते हैं और फिर भाई साहब जल्दी से काम करते हैं। तो ओके गाइस मुझे 23 ब्लॉक्स मिल चुके हैं, इससे के मैं वो बना लूंगा, मुझे लगता है कि इनफ रहेगा ये मेरे लिए, अगर नहीं रहेगा तो मैं और तोड़ लूंगा। जल्दी से घर में जाते हैं भाई, जल्दी से घर में जाके इनको वो बनाते हैं, मैं सोच रहा हूँ यार लेकिन उनको लेके कैसे आऊंगा, मेरे पास जो ट्रेन के वो है वो इनफ रहेंगे, पावर ट्रेन मैंने देखा वो कैसे बनती है क्या सीन है उसका, तो मैंने उसको बनाने की कोशिश किया, पता नहीं मैंने वो सही बना लिया गलत बना लिया, एक्टिवेटर पावर ट्रेन दिमाग का बहुत होता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं करूंगा, तुम्हारे लिए सब करूंगा। ओके बान हाँ भाई हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से ज्यादा ही बन जाएगा। ठीक है अब हम देखते हैं हमारे ओ भाई 25 भाई साहब जितना, ओ फक ब्रो रुको जल्दी से जल्दी करते हैं इसको, इसको गिर देता अभी नीचे भाई, जल्दी से जल्दी ना मैं ये प्ले, ओ भाई मेरे को भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या, एक एक सेब है खाने के लिए, जल्दी से मैं खाना खा लेता हूँ और थोड़ा सा, इसमें जल्दी से खाना रखते हैं और थोड़े से ये रख देते हैं, इतने बन जाएगा, मैं जल्दी से बेड प्लेस कर देता हूँ जगह 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 जगह। वेरी सॉरी गाइस बीच में माइक इशू हो गया था तो मुझे बंद करना पड़ा, और फिर जब मैंने बंद करा और इतने में मैंने देखा भाई फिर से हमारे एक विलेजर्स को ज़ॉम्बी ने मार दिया था भाई, कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, जी करता है ना कि
भाई ये जो मूव्स है ना, मैं इनको क्या बोलूं। मुझे लगता है कि मुझे ना रात होने तक यहीं रुकना चाहिए ताकि विलेजर्स अपने घर पे आके सोएं, तो फिर मैं उनको उठा उठा के लाऊं। भाई ये लोग ना मेरे को बहुत मुश्किल से 3 मिले थे, यहाँ पे घूम रहे थे, मैंने उन्हें बिठाया भी, इतने रात हो गई, रात में फिर उसने उसकी गांड मार दी। भाई फिर से मैंने बिठाया, फिर से रात हो गई, मतलब फिर माइक इशू हो गया। ओ ये रहा ये रहा, बेटे बेटे बैठो बैठो बेटे बेटे प्लीज, थैंक यू बेटे बेटे, हमको सीधा सीधा जाना है जल्दी से। मैं यहाँ रास्ता खोल देता हूँ क्योंकि ना ये बहुत स्लो चलती है, जैसे ही हम नॉर्मल जगह से चलो। भाई साहब इसको बिठा के ना मैं 500 की स्पीड में ऊपर फेंकने वाला हूँ, जल्दी जा जल्दी 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 चढ़ जाएगा, देखा चढ़ता नहीं है। ये जो वुडन हो ही जाए ना मेरे खत्म होने वाले हैं, मेरे पास एक पड़ा है ना, एक और पड़ा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी से जल्दी चलते हैं भाई, जल्दी से चलते हैं, बहुत मुश्किल से मिला भाई तू, जल्दी से भाई। ये भाई ये बहन है, मतलब ये उसके साथ मिलके सेक्सम सेक्स करेगा, फिर सेक्सम सेक्स करने के बाद ही तो बच्चे पैदा करेगा, दो बॉयज बच्चे पैदा कैसे कर सकते हैं भाई, यू आर गे। चलो कोई बात नहीं, कोई सीन नहीं है, चलो जल्दी 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 चलो, चल मैं तो फेमस नहीं हूं, नहीं तो मेरे मजाक की भी गांड मार ली जाती। ओके ओके बस यार, चलो अभी के लिए ठीक है, यहाँ पे मैं ये बिछा देता हूँ ताकि ये चल जाए, ठीक है। एक दो आगे के मैंने सब जगह बिछाई हुई है। ओके जा जा पीछे जाओ, जाओ पीछे जाओ। ओके भाई साहब हमारा सपना पूरा होने वाला है, हम दो हमारे सो वाला, बैठ वे बैठना गांडू, चलो जा हम सीधा घर पे मिलते हैं, पहुँच बेटा पहुँचो, पहुँचो बेटे पहुँचो बेटे पहुँचो। भाई 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 ये बहुत तगड़ा आइडिया था, अच्छे से कुछ चीज़ अच्छे से स्टडी करो ना तो फिर तुम्हारे को पता मिल जाता है। ये गेट किसने किसने बंद किया हुआ है, जाना अंदर जाना चूतिया। भाई ये यहाँ से ये क्यों हो गया है, ये क्या हुआ, ओ भाई ये क्या हुआ है, अब अंदर जा ब्रो। ओ भाई साहब फक, अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए मुझे, रुको रुको रुको, यहाँ पे भी मेरे पास रेल, मेरे पास ट्रैक्स हैं क्या। ओके ओके भाई ओके, हमारे विलेजर्स जैसे तैसे आ चुके हैं। मुझे ना भाई यकीन नहीं हो रहा कि मैं विलेजर्स को ले आया हूँ, भाई क्या चूतिया पाया, रुक जाओ बाद में कर लेंगे ये सब। चल चल निकल निकल निकल, अब ढूंढ जाके सो। और वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो तेरा भाई कहाँ है वो, अरे बाप रे वो कहाँ चला गया, अरे कहाँ जा रहे हो भाई। ए, भाई साहब मुझे, हाँ इसके लिए कुछ मेरे हिसाब से आयरन गेट बनाने पड़ते हैं ना, रुको मैं फालतू का सामान ना वापस से इस चेस्ट में वापस डाल देता हूँ। ये इन सब का काम मेरे हिसाब से हो गया, जा तू भी जा, ये मैंने फालतू के बना लिया, कुछ गोल्ड भी लगा। जल्दी 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 जल्दी, तो गाइस हम इन्हें ऑलमोस्ट ले आए हैं जल्दी से, जो मैंने आयरन पिघलाने के लिए रखा था ना वो मैं ओके ये वो बन गया स्मिथ मेरे ख्याल, वो कहा है, हाँ ये रहा, इससे मेरे ख्याल गेट तो बन ही जाएगा। हाँ बेटे बेटे इसको जो मिल गई है। भाई वो बंदा कहाँ गया, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो कया कहाँ है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है वो कहाँ है भाई। भाई उसको मैं छोड़ के गया था बट वो गया कहाँ है, ऊपर है, छोड़ो पहले मैं गेट बना लेता हूँ, गेट बनाने के बाद ही देखते हैं। लकड़ियाँ, हाँ चलो ये चल जाएंगे, ठीक है हमारे पास आयरन का गेट चाहिए हमको। Where's the gate? ये रे रे आयरन डोर, तीन, हाँ तीन ही चाहिए थे। ओके यहाँ लगा देता हूँ, एक दो तीन, और इनके लिए बटन्स भी चाहिए होते हैं ना ब्रो, Where's buttons? Where's button? फिलहाल के लिए यहाँ, ओके एक लगा देते हैं यहाँ, और इसके लिए इसको कहाँ लगाए, लगा देते हैं यहाँ, इनको आप खोद देते हैं। गाइस फाइनली, मतलब मुझे ना लग नहीं, ओए मुझे ना लग नहीं रहा था कि मैं ये कर सकूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि बार बार इतना सीन हो रहा था ना, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब जल्दी से मैं, मेरा ना ये जो
ये जो रास्ता है ना इसको वापस से ठीक करूंगा, लेकिन वो सब मैं सुबह करूँ। ओ भाई फक, भाई फक, फक भाई, मैंने बाहर जाने का रास्ता तो बना लिया है, लेकिन अंदर आने का रास्ता मैंने बनाया नहीं है। ओ भाई क्या हो रहा है ये, मुझे मार दो भाई आज, आज मुझे मार दो। चलो मिल गया है, इसका मैं रास्ता बना देता हूँ। मेरे को एटलीस्ट अंदर जाने का कुछ तो सामान मिला, इसका मैं बना देता हूँ। ओके यहाँ, ओके। तो जैसे तैसे हम हमारे विलेजर्स को ले आए। एक साल वो पता नहीं कहाँ खो गया है। रुको, मेरे पास मेरे कारपेट्स जो थे वो मैं बिछा देता हूँ। कितने कारपेट्स बचे हैं भाई, जब मेहनत लगती है ना भाई, चूतर फट जाते हैं थोड़े से। ठीक है, मेरे को भाई बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। ओ देखो वो तो सो गया भाई, ऐसा ना हो मुझे दोबारा से कोई विलेजर लाना पड़े। ओ भाई देखो, भाई देखो मेरे बेड पे सोया आराम ज्यादा, मैं भी सो जाता हूँ। ओके गाइस, फाइनली हमारे दोनों विलेजर्स आ चुके हैं भाई। भाई मेरे चूतट फट गए भाई, चूतट फट गए भाई। मैं इन घोड़ों का क्या करूं, इनको मैं लेके तो आ गया, लेकिन इनको मैं कहाँ लेकर जाऊं भाई साहब। तगड़े सीन चल रहे हैं इन इनको भाई, मैंने काफी बड़ा बना दिया है किसी को। भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग, रुको, इनके लिए खाने के लिए भी तो होता है। ब्रेड मेरे पास थी मेरे ख्याल। वेयर इज द ब्रेड ब्रो, वेयर इज द ब्रेड। भाई भाई कहाँ है मेरी ब्रेड्स, कहाँ है? ओए तू बाहर चला गया ना बेटा, तुझे काट डालूंगा मैं, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अब भैंचो गांड किसके बंदे ला रहे हैं, भैंचो गुड़िया नाल भैंचो। चलो बैठो, ओके बैठो, कह रहा हूँ ये ले खा, चुदाइया करो ले। भाई मुझे लग रहा है इनके लिए ना मैंने काफी बड़ा घर बना दिया है, ये मुझे ना ऐसा ही लग रहा है। ओ भाई ये लाइब्रेरियन बन गया है क्या? क्या क्या, ओके भाई ये लाइब्रेरियन बन गया है भाई, ये मुझे नेम टैग देगा शायद। मेरे को और ये बनाने चाहिए ना लेक्ट्रन। ओ भाई साहब, तो तुम लोगों ने देखा, इन लोगों ने चुदाई मचाई, उससे ये बच्चा हो गया। ओ तो गाइस भाई देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या हुआ, इन लोगों ने इतनी चुदाई मचा दी, इनके बच्चे पैदा हो गए हैं भाई, इनके बच्चे पैदा हो गए हैं। कहाँ गए, कहाँ गए वो चिंटू पिंटू, पिंटू पिंटू, अरे कहाँ गए? ओ भाई देखो कहाँ का घूम रहे हैं ये, लो खाओ खाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें कुछ खिला रहे बेटा खाओ। अरे बहन छोड़, ये तो बड़े बदतमीज बच्चे हैं भाई साहब। भाई जैसा कि तुम लोग ने देखा भाई, हमने विलेजर्स, आखिरकार हम विलेजर्स को लेकर आए हैं और हम हमारे सिंहासन के पास जाते हैं और वहां से एक व्यू लेते हैं, बहुत तगड़ा, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला। भाई साहब देखो, यहाँ पर हम रहेंगे और यहाँ पर हम इन लोगों को देखेंगे। कहाँ है बे, देखो वो रहा, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे विलेजर्स होंगे, आपस में चुदाई करेंगे, बहुत हम पहनचो 1.4 बिलियन की आबादी हो जाएंगे, पूरा भारत देश हो जाएंगे। अगर तुमको एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। भाई साहब टिल देन टेक केयर, सोते रहो।